वहीं आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में हुए भूधसाव और भूस्खलन के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे राहत बचाव एवं स्थायी अस्थायी पुनर्वास आदि से संबंधित किए जा रहे कार्यों को मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भूधसाव और भूस्खलन के संबंध में आज अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की अध्यक्षता में उच्चाधिकारी प्राप्त समिति की बैठक हुई और यहाँ पर बैठक में समिति को जानकारी दी गई है कि जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भूदशा और भूस्खलन के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और स्थापन हेतु जिलाधिकारी चमोली द्वारा 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। पहले विकल्प में प्रभावित भूभवन स्वामियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तीन ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों पे ऑप्शन पे चर्चा हुई और सैद्धांतिक रूप से सहमत समिति द्वारा सहमति दी गई कि ये ठीक है और इसको कैबिनेट में ले जाया जा सकता है। तीन ऑप्शन में पहला विकल्प ये है कि भूस्वामियों को, प्रभावी जो भूस्वामी है उनको वन टाइम सेटलमेंट में भूमि की कीमत और भवन की कीमत वो दिया जाए, जितने भी लोग एग्री करेंगे, और उनकी भूमि फिर राज्य सरकार के पक्ष में आ जाएगी।